एक सवाल है हमारे किसी व्यूअर का, उन्होंने मुझसे पूछा है, और यहाँ पे हमने इक्वल किया और हमने सबसे पहले तो ये बोला है कि सेम ईयर का, मतलब कि सेम ईयर का परसेंटेज क्या है। तो मैंने इसको डिवाइड किया और इसमें हमने लगाया फॉर्मूला सम इफ। क्या लगाया हमने? सम इफ का सम इफ हमने बोला, इसका सम रेंज हमारा ए हो गया और इसमें क्राइटेरिया हमारा इसको सिलेक्ट किया और क्राइटेरिया हमारा आ जाता है। अब इसमें क्राइटेरिया जो डालना है वो ईयर डालना है, सिग्नल सेम ईयर मतलब कि 2018। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसमें से ईयर निकालना है ना हमें। क्या सर? तो क्या इसमें हम ये कर सकते हैं, हम इसके बीच में स्टार लगा दें और एन परसेंट के साथ हम यहाँ ईयर का फॉर्मूला दे दें और इसको सिलेक्ट करें और फिर इसमें स्टार और फिर यहाँ ईयर दे देते हैं, फिर कॉमा सम रेंज जो हमारा है वो हमारा सम रेंज है, राइट? और फिर इसको एन। अब यहाँ पे डीआईवी का एरर आया। अब ऐसा क्यों आया? अब यहाँ पे रीजन है क्योंकि इसने जीरो ही दिया हो। यहाँ हम इसमें फॉर्मूला वार में आते हैं, एवरेज फॉर्मूला करते हैं। हाँ, जीरो दिया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक्सेल में कहना है कि कोई भी इसमें आप ये नहीं कर सकते, इसके बीच में आप किसी भी तरह का डेट के ऊपर किसी भी तरह का सिंटैक्स नहीं लगा सकते आप, समझे? वो कंसीडर नहीं करता है, जो स्टार कमांड में दिया ना वो नंबर और डेट पे कंसीडर नहीं करता। तो अब इसमें से ईयर निकालना मुश्किल है, अब यहां ईयर हम नहीं निकाल पाए तो क्या करें? तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ्स का। इसका लगाएंगे सम इफ्स का। सम इफ्स में हमने अपना सम रेंज को सिलेक्ट कर लिया, रेंज को, फिर हमने सिलेक्ट किया क्राइटेरिया वन रेंज। तो क्राइटेरिया वन हमने दे दिया और हमने बोला सेम ईयर है तो हमने यहां पे डेट डालूंगा, डेट यहां पे ले ग्रेटर देन इक्वल टू डाला और हमने, और यहां पे हमने इसके साथ एन परसेंट किया और हमने डेट डाल दी, डेट ए वाला डेट फंक्शन दे दिया हमने। इसमें ईयर जो है हम ईयर का फॉर्मूला लगा के इससे लेके आते, राइट? और हमारा मंथ हो गया और वन और डे हमारा वन हो। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर इसी को वापस हम सिलेक्ट करते हैं और फिर हमने यहाँ पे क्राइटेरिया में वापस एन परसेंट दिया और बोला लेस देन इक्वल टू और हमने यहाँ पे एन किया और बोला सम इफ्स, सॉरी सम इफ्स नहीं, माफ कीजिएगा, इसमें हमें डेट डेट ईयर जो है हमारा वो सेम है क्योंकि हम यहाँ से ईयर को अलग कर लेंगे और मंथ हमारे पास 12 हो गया और डेट हमारा 31 हो गया। एंट्री कीजिए तो यहाँ पे फिगर आ गया, आ गया फिगर। फिगर क्या आया कि जो 2013 मतलब इसमें जो 2013 का सेल है वो यहाँ पर। अब इसको जनरली हम डिवाइड में लगा देंगे ताकि हमारा परसेंटेज आ जाएगा और परसेंटेज का सिंबल दे देंगे, प्रोटेक्टेड है तो यहाँ पे सिंबल नहीं आ रहा है, इसको अनप्रोटेक्ट अगर हम करेंगे तो आ जाएगा, बट अनप्रोटेक्ट के लिए पासवर्ड चाहिए क्योंकि मेरे पास नहीं है, राइट? ये मैंने आपके बनाने के लिए कर दिया है और बहुत मेल कर रहा है ये जो सागर जी है मेल कर, ऐसा मैं किसी भी एग्जाम के फाइल पे काम नहीं करता हूँ, ठीक है ना? इसलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। ना करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि उनको करने के लिए बोला गया, अगर मैंने उनको करके दिया तो ये चीटिंग कहलाएगी ना सर। जिसने भी एग्जाम लिया है या उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया हुआ है, जैसे मैं आपको कोई फाइल दू क्वेश्चन बनाने के लिए दू
तो क्या होगा कि अगर आप किसी और से बनवा के ला देंगे तो सिटिंग ही करेंगे ना, क्या बोल रहे हैं सर? लेकिन मैंने एक एग्जांपल बताया ताकि आप समझ सके कि इस तरह की चीजें भी की जा सकती है। और गाइडेंस गाइडेंस तो दे सकते हैं ना सर, क्या हाँ गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फोन पे में फाइल भेज दिया सर बना के, तो गलत था ना सर? ये तो सही नहीं है सर। तो मैं गाइडेंस देता हूँ टेलीफोन पे, जो पूछना है पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। तो ये चीजें मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि कुछ स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट को मैंने बोला था ये क्या ऐसा हो सकता है, तो उसने बोला कि सर सम इफ्स लगाने की जरूरत नहीं है, हम सम इफ लगा सकते हैं, हम कॉन्केट में ये स्टार कॉन्केट कर दें। मैंने उसको बोला कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो स्टार कॉन होता है सम इफ या सम इफ्स में, वो जो है आपका नंबर्स और डेट पे वर्क नहीं करता, और सिर्फ टेक्स्ट पे वर्क करता। देखिए वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, तो मैंने सोचा मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा इसको कभी, मुझे पता है ये गलत है तो मैं ट्राई क्यों करना चाहूँ, लेकिन उन्होंने इतना फोर्स किया तो मुझे सोचने में मजबूर किया, तो ट्राई कैसे करते हैं। चलिए